IPL चेयरपर्सन है हमारे साथ राजीव शुक्ला। स्पोर्ट्स तक बहुत ही काफ़ी पॉपुलर हो रहा है और हमारा आज तक का ऑनलाइन मीडियम है और दर्शक बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। शुक्ला जी, आप देखते हैं स्पोर्ट्स तक, क्योंकि मैं अक्रम से भी बात कर रहा था, लगातार काफ़ी खबरें भी आती हैं और हम एक्सक्लूसिव मीडियम है, एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज लेकर आते हैं। आपके साथ ये इंटरव्यू लाइव देख रहे हैं दर्शक वर्ल्ड ओवर स्पोर्ट्स तक पर। नहीं, अच्छी बात है, लोग देखें दुनिया भर में। हम तो चाहते हैं कि क्रिकेट और IPL जितना लोगों में जाए उतनी अच्छी बात है। और विदेश में लोग जानना चाहते हैं कि IPL में खास क्या होगा अगले साल। नहीं, IPL जो है उसमें ऑक्शन बहुत बड़ी होने वाली है, ऑक्शन बहुत बड़ी होने वाली, मेगा ऑक्शन होने वाली है जिसमें तमाम खिलाड़ियों का भाग्य निर्धारित होगा। हम खिलाड़ियों का जो सैलरी कैप है उसको भी बढ़ा रहे हैं, फ्रेंचाइजी को भी काफ़ी इसमें फ़ायदा होने वाला है इस बार की IPL से। और इस बार जो है रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस पे मॉडल हो जाएगा, जो 10 साल पहले नहीं था, 11वें साल से रेवेन्यू शेयर होगा मॉडल। तो इस तरह से तमाम चीज़ों, 5 प्लेयर्स का रिटेंशन है, राइट टू मैच भी हम दे रहे हैं। लोगों में जो एक आम भावना है कि 15 करोड़ विराट कोहली, MS धोनी ऐसे प्लेयर के लिए बहुत कम तो नहीं है, कैसे वो ज़्यादा कमाएंगे अगर फ्रेंचाइजी उनको ज़्यादा देना चाहता है, कैप 15 करोड़ है? नहीं, वो तो हमने एक ये है कि जो हमने कैप रखी उसी के हिसाब से निर्धारित होगा। जो फ्रेंचाइजी उसको देगा, जो फर्स्ट रिटेंशन है उसको 15 करोड़ का हमने निर्धारित किया। अगर कोई उसको ज़्यादा देगा तो उसको हम सैलरी कैप से काटेंगे। कुछ खबरी MS धोनी के फैंस के लिए कि चेन्नई में रहेंगे, वो चेन्नई सुपर किंग और धोनी के बीच में कि कहाँ वो जाते हैं हम नहीं निर्धारित कर रहे। प्लेयर को पूरी छूट है कि किसके साथ वो रिटेन हो, किसके साथ राइट टू मैच। चलिए शुक्ला जी, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्पोर्ट्स तक पर आपके लिए खास पेशकश हम लेकर आए थे IPL चेयरपर्सन राजीव शुक्ला आपके लिए, और उन्होंने तमाम बातें कही क्योंकि IPL गवर्निंग काउंसिल की एक अहम मीटिंग थी यहाँ पर दिल्ली में, और इसमें सौरव गांगुली हमारे साथ, सौरव गांगुली भी इस मीटिंग में शामिल हुए जो अभी एक्टिंग सेक्रेटरी हैं बोर्ड के, अमिताभ चौधरी, साथ ही साथ कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स के चेयरमैन विनोद राय भी इस मीटिंग में शामिल हुए थे, डायना एडल जी थे, BCCI के CEO राहुल जोरी भी इस मीटिंग में शामिल हुए थे। तमाम जो IPL ऑक्शन को लेकर जो हलचल चल रही थी, कई फैसले हुए जो उन्होंने बताए, कैप के बारे में बताई कितना कैप होगा, 15 करोड़ का एक फिक्स किया गया, 5 प्लेयर्स जो हैं रिटेंशन के बारे में करी गई है कि बाद के 3 उसमें भारतीय और 2 फॉरनर्स हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी खबर है खासकर MS धोनी के फैंस के लिए कि अब शायद रोड क्लियर हो गया है कि महेंद्र सिंह धोनी CSK में ही रहेंगे, और अच्छी बात है क्योंकि धोनी को लेकर काफ़ी उत्साहित थे और चेन्नई में जो उनकी फ़ैन फॉलोइंग है वो देखने लायक है। MS धोनी खुद कहते हैं कि रांची जैसा है उनका होम टाउन है, वैसी चेन्नई भी उनके लिए कुछ कम नहीं है। तो ये सारी अपडेट्स हम आपके लिए स्पोर्ट्स तक पर लाइव अभी लेकर आए हैं, और मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा अपने साथी धीरज का भी जिन्होंने जल्दी जल्दी ये अपडेट आपके लिए लेकर आई, क्योंकि वो इस समय अभी मोबाइल फ़ोन ऑपरेट कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को, क्योंकि आज शाम सौरव गांगुली वापस आ रहे हैं लाइव स्पोर्ट्स तक पर।